खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कश्मीर से धमकी आ गई। धमकी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला दोनों ने दी। मामला था आर्टिकल 370-370 को हटाने का वादा। बात बारूद और चिंगारी से होते हुए कश्मीर को आजाद कराने तक पहुंच गई। अगली रिपोर्ट में आप इसी धमकी को देखेंगे, साथ में आप ये भी जान पाएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में किसका वादा आपके बहुत करीब है। ये फैसला आप ही को लेना होगा। बीजेपी दोबारा सरकार में आई तो अगले 5 साल में कैसे देश बदलेगी, ये संकल्प पत्र में लिखा हुआ है। लेकिन पिछले 5 साल में बीजेपी खुद कैसे बदल गई, जरा ये भी देख लीजिए। ये 2014 का घोषणा पत्र है जिसके पहले पन्ने पर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा जेटली और राजनाथ सिंह समेत कुल 11 नेता हैं। और ये 2019 का घोषणा पत्र है जिसके पहले पन्ने पर सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। इसमें सिर्फ मैं ही मैं हूँ। एक तरफ जनता है, कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ सिर्फ मैं ही मैं हूँ, क्योंकि मैं, मेरा और मेरा अहंकार। न तो इनको कोई देश से वास्ता है, न अपने दल से वास्ता है, न अपने दिल के अपने दल के नेताओं से वास्ता है। मैं समझता हूँ कि ये जो घोषणा पत्र है ये झूठ बनाम न्याय है। कांग्रेस बीजेपी के संकल्प पत्र को झांसा पत्र कह रही है, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इन दोनों पार्टियों के प्रमुख वायदे क्या हैं। तो सबसे पहले उन मुद्दों की बात जिन पर दोनों में सीधा टकराव है। सबसे पहला टकराव जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर है। बीजेपी 370 हटाने के पक्ष में है तो कांग्रेस इसके खिलाफ है। कांग्रेस का कहना है कि संविधान में शामिल अनुच्छेद 370 को बदलने की ना तो अनुमति दी जाएगी और ना ही ऐसा प्रयास होगा। जबकि बीजेपी का कहना है कि जनसंघ के वक्त से ही अनुच्छेद 370 पर हमारा रुख साफ है। 370 को कहते हो खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहाबाद किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। करें, हम भी देखते हैं। मैं भी देखता हूँ फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार होगा। जब आप इस पुल को तोड़ते हो, 370 को तोड़ते हो, तो हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर पे कब्जा नाजायज हो जाता है। तो वो इट बिकम्स एन ऑक्यूपेशनल फोर्स। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर जो है एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, जिसकी हमने एक झलक पुलवामा में देखी। इसलिए मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो न जम्मू कश्मीर रहेगा तो न हिंदुस्तान रहेगा। दोनों पार्टियों में टकराव का एक बड़ा मुद्दा अफस्पा भी है। कांग्रेस ने कहा था कि अगर सत्ता में आए तो अफस्पा में संशोधन करेंगे, यौन हिंसा और यातना के मामलों में प्रतिरक्षा जैसे मुद्दों को हटाएंगे। जबकि बीजेपी का घोषणा पत्र कहता है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया जाता रहेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी नागरिक संशोधन विधेयक पर भी दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में अलग अलग वादे हैं। कांग्रेस वादा कर रही है कि अगर वो सरकार में आई तो नागरिक संशोधन विधेयक वापस ले लेगी, जबकि बीजेपी कह रही है कि हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करेंगे। अब कुछ और दूसरे मुद्दों की बात करते हैं। कांग्रेस ने देश भर में खाली 22 लाख सरकारी पदों को भरने का ऐलान किया है, तो बीजेपी का घोषणा पत्र कहता है कि रिटेल सेक्टर के लिए नेशनल पॉलिसी बनेगी ताकि रोजगार के लाखों अवसर पैदा हों। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए ग्राम पंचायतों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा, जबकि बीजेपी कह रही है कि 22 उत्कृष्ट क्षेत्रों की पहचान कर रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। जब साल 2014 के घोषणा पत्र के 125 सवाल खड़े हों, तो आज के झांसा पत्र, ये संकल्प पत्र नहीं है, आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें? फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार, देश की जनता खारिज करेगी इस बार और झोला उठाकर हो जाओ जाने को तैयार। उनके पूरे चुनावी पत्र, घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ जिक्र ही नहीं है।
किस प्रकार से देश को आगे चल के सुशासन की ओर लेके जाना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना, उस पर कुछ है नहीं। मैं समझता हूं कांग्रेस तुष्टिकरण और परिवारवाद से उठ ही नहीं पा रही है। सबसे गरीब 5 करोड़ परिवारों को कांग्रेस ने सालाना 72,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। बीजेपी किसानों को गरीब मान रही है और सारे किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का वादा कर रही है। कांग्रेस ने 2030 तक गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा है, तो बीजेपी अगले 5 सालों में गरीब परिवारों का प्रतिशत सिंगल डिजिट में लाएगी। कांग्रेस ने किसानों के लिए अलग बजट का वादा किया है, तो बीजेपी ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस ने मनरेगा को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने का वादा किया है, तो बीजेपी छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का वादा कर रही है। मित्रों, हम राष्ट्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है हम देशद्रोह को कानून को समाप्त कर देंगे, यानी वो देशद्रोह को अपराध मानने से इनकार कर रहे हैं।